महर्षि, बहुत अभ्यास के बाद भी मैं की अनुभूति नहीं होती। वह कौन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती? क्या एक मैं अज्ञानी है तथा एक मैं भ्रांतिजनक? क्या एक ही व्यक्ति में दो मैं हैं? अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। यह तो मन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती। यह मन आया कहाँ से? मन को जानो। मन को जान लेने पर यह तुम्हें मिथ्या लगेगा। राजा जनक ने कहा था, मैंने उस चोर को पकड़ लिया है जो इतने दिनों से मुझे नष्ट कर रहा था। अब मैं उससे तुरंत ही निपट लूँगा, तभी मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो महर्षि, मैं को किस प्रकार जाने? मैं सदैव ही है, इसे जानना नहीं है। यह कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जो नवीन है तथा सर्वदा सर्वत्र सुलभ नहीं है, वह क्षणिक होगा। मैं सर्वदा विद्यमान है, इसके ज्ञान में जो बाधा है वही अज्ञान है। अज्ञान को हटाते ही ज्ञान प्रकाशित होगा। वास्तव में यह अज्ञान तथा ज्ञान भी आत्मा के लिए नहीं है, ये तो आवरण है जिन्हें हटाना होगा। इसी कारण आत्मा को ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे कहा जाता है। आत्मा तो जैसी स्वभावतः है वैसी ही रहेगी, यही सार है। महर्षि, हमारे प्रयास करने पर भी सुस्पष्ट प्रगति नहीं होती। नवीन वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रगति की बात कही जाती है, जबकि यहाँ अज्ञान को हटाना है, न कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आत्मानुसंधान में किस प्रकार की प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है? तो महर्षि, इस अज्ञान का निवारण कैसे करें? जबकि तुम तिरुवन्नामलाई में पलंग पर सोए हुए हो, तुम स्वयं में स्वयं को किसी दूसरे नगर में देखते हो। यह दृश्य तुम्हारे लिए वास्तविक है। तुम्हारा शरीर यहाँ एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा है। क्या एक नगर तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर सकता है? अथवा क्या तुम यहाँ शरीर छोड़कर कहीं अन्यत्र जा सकते थे? दोनों ही असंभव हैं। अतः तुम्हारा यहाँ रहना तथा दूसरा नगर देखना, दोनों ही बातें असत्य हैं। ये तुम्हारे मन को सत्य प्रतीत होती हैं। स्वप्न का मैं शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब दूसरा मैं स्वप्न का वर्णन करता है। यह मैं स्वप्न में नहीं था। ये दोनों ही मैं असत्य हैं। मन का अधिष्ठान ही सदैव विद्यमान रहता है, उसी से नाना प्रकार के दृश्य उदय होते हैं। प्रत्येक संकल्प के साथ एक मैं का उदय होता है और उसके लुप्त होने पर उस मैं का भी लोप हो जाता है। प्रतिक्षण अनेक मैं उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सदैव रहने वाला मन ही वास्तविक दुख का कारण है। जनक के अनुसार वही चोर है, उसको खोज लो और तुम सुखी रहोगे।